आपको एक जबरदस्त न्यूज से गा करते चलें कि बांग्लादेश समय श्रीलंका और वेस्टइंडीज को भी पाकिस्तान में मुख्तसर सीरीज खेलने के लिए तैयारियां तेज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ रह जाने वाला एक टेस्ट वनडे जल्द करवाने का फैसला कर लिया। इसके अलावा इसी साल 2020-21 में श्रीलंका और वेस्टइंडीज से कोई एक टीम भी पाकिस्तान का दौरा करेगी। इन सारी खबरों की तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में, लेकिन तफसील में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलती रहें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू हुसैन स्पोर्ट्स। आपको तफसील से गा करते चले कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ कोरोना वबा के बायस रह जाने वाले दो मैच जिनमें एक वनडे और एक टेस्ट शामिल था वो जल्द करवाने का फैसला कर लिया है और साथ ही साथ श्रीलंका और वेस्टइंडीज को भी पाकिस्तान में सीरीज खेलने के लिए तैयारियां जारी कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान दिसंबर में न्यूजीलैंड के दौरे से कबल बांग्लादेश के खिलाफ वो दो मैचेस खेलना चाहता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ अप्रैल में मुलतवी होने वाले टेस्ट मैच और इसके साथ वनडे मैच के लिए नई तारीखें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भेज दी हैं, क्योंकि ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को दिसंबर में न्यूजीलैंड का दौरा करना है और पाकिस्तान इससे कबल ये मैचेस खेलने का ख्वाहिशमंद है। और दूसरी जानब न्यूजीलैंड से वापसी के बाद कौमी टीम को जनूबी अफ्रीका से भी होम सीरीज खेली है, जिसमें 20 सीरीज के बाद वनडे पर भी बातचीत जारी है, जबकि वेस्टइंडीज श्रीलंका में से किसी एक मुल्क को भी पाकिस्तान में मुख्तसर तरीन दौरे के लिए राजी किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि PSL 2021 से पहले इनमें से किसी एक टीम से मुआहदा तय हो जाए कि वो आकर पाकिस्तान में मुख्तसर फार्मेट की क्रिकेट खेले। और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो अभी से इसका ग्रीन इशारा दे दिया है। दोस्तों, आपके ख्याल में PSL से पहले कौन सी टीम से सीरीज होनी चाहिए, श्रीलंका से या फिर वेस्टइंडीज से? इस हवाले से आपने अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।